हेलो यून, वेलकम टू पाठक के। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सी एस आई आर नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या है? ड्रगल्स रूल्स। ठीक है, तो ये वीडियो आपके थ्योरी एग्जाम के लिए और सी एस आई आर नेट एग्जाम दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सी एस आई आर नेट का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं हर बार। ठीक है, तो यहाँ पर दो रूल्स होते हैं ड्रगल्स के। तो क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले, हाइड्रोजन अटैच टू नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग। ठीक है, यहाँ पे इफ डाल देना। क्या है इफ? हाइड्रोजन अटैच टू नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। अगर हाइड्रोजन नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई के साथ अटैच होता है तो स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, सिंपल सा। एंड सेकेंड रूल्स ये बोलते हैं, अगर हाइड्रोजन अटैच टू मैग्नेटिक न्यूक्लियाई डज नॉट पार्टिसिपेट इन स्प्लिटिंग। ठीक है, अगर हाइड्रोजन नॉन मैग्नेटिक के साथ अटैच रहता है तो पार्टिसिपेट करता है स्प्लिटिंग में, और मैग्नेटिक के साथ अटैच रहेगा तो नहीं करेगा पार्टिसिपेट। ठीक है, स्प्लिटिंग में, तो ये बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है मैग्नेटिक न्यूक्लियाई और क्या होता है नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक न्यूक्लियाई वो होता है जिसको चार से डिवाइड करने पर इक्वल डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे कि 16 है, 4 × 16 तो इक्वल डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन मैग्नेटिक। और जो डिवाइड नहीं होता मतलब कि वो मैग्नेटिक है, सिंपल से। ठीक है, तो ये हम नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, हमको समझ आ गया रूल्स क्या होता है। अब इसको फॉलो करते हैं डायरेक्ट एग्जांपल पे। ठीक है, तो ये टाइटेनियम, इसको क्या पढ़ेंगे? हेक्सा एक्वो टाइटेनियम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो आई का वैल्यू होता है वो 3/2 होता है इसके लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेना, याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रूल्स फॉलो हो रहा है, हाइड्रोजन अटैच टू नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक है ये, ठीक है, ऑक्सीजन है ना, तो डिवाइड हो जाएगा। इसको आप लोग देख सकते हैं, एक बार 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 बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये नॉन मैग्नेटिक है, नॉन मैग्नेटिक के साथ अटैच है, मतलब कि ये पार्टिसिपेट करेगा स्प्लिटिंग में। उसके बाद जो फार्मूला है ना, 2Ni+1, इसमें सबको फिल करो, ये 2 है, 2 और 1 का पूरा एक ही हो जाएगा क्योंकि सभी OH2 है, एंड 3/2 आई का और +1, तो इस प्रकार इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा? 52 आएगा। ओके, तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे कि अमोनिया एवल है, टेट्रामीन क्यूप्रेट, तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें सेकंड रूल्स फॉलो होगा। ठीक है, जैसे कि रूल्स में बताया था। उसके बाद इसमें भी आई की वैल्यू 3/2 है, बाकी ये फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कापर का स्पिन इज 3/2 एंड एन स्पिन इज 1। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सेकंड रूल है। ठीक है, तो मैं बताया ही था कि नॉन मैग्नेटिक क्या होता है, जो चार से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन का 14, तो 14 से थोड़ी ना डिवाइड होगा, नहीं होगा ना, इसीलिए ये सेकंड रूल फॉलो करेगा। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक में आ जाएगा। ओके, देन ये भी कॉपर है, लेकिन यहाँ पे H2O के साथ, मतलब 6 मॉलिक्यूल H2O का ऐड है। ओके, यहाँ पे ये CSIR नेट में एग्जाम ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या है? कॉपर का कितना होता है? 3d10 4s1 होता है। ठीक है, तो कॉपर का 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो एक यहाँ से तो कितना हो जाएगा? 3d9 4s0। ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार इतना करने के बाद इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद ये फार्मूला में सेटअप कर देंगे तो इसका 180 लाइंस आएगा। ठीक है, सेम ऐसी ही एक CSIR नेट का एग्जाम का क्वेश्चन है, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, टाइटेनियम में 3d2 4s2 होता है, 2 निकाल देंगे तो 3d2 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। उसके बाद इसको भी हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ओके, देन सेम ऐसी एक क्वेश्चन और है कॉपर का। ठीक है, नेट का। तो इस प्रकार काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से ही होगा। ठीक है, तो मैं रूल्स बता दिया हूँ, बाकी आपको बना बना के देखना है। ओके, तो ये था ड्रैगन्स रूल्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।